कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन करना माने मंत्री जी, यहाँ पर जितने भी किसान भाई उपस्थित हैं वो सभी आदरणीय मोदी जी की जो किसान सम्मान निधि चली है उसमें 80% से ज्यादा किसान यहाँ उपस्थित है आपके बीच में। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी से युवाएं और अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिनंदन। हमारी सभ्यता है और ये व्यवस्था है, किसान जब जाता है तो राम राम बोलता है। ये राम राम स्वीकारने के लिए जोर से बोलो कि पाकिस्तान का सीना दर्द है कि किसानों की मैं चौपाल हो रही है। राम राम। धन्यवाद मित्रों। बचपन विधानमंडल में देश में जो व्यवस्थाएं इन व्यवस्थाओं पर ही पूरा समाज चलता है। नंबर एक कृषि और नंबर दो कृषि। कृषि यानी खेती से हमारा जीवन चलता है। खेती किसान पैदा करता है, खेती में अन्न, अन्न से हमारा जीवन चलता है। जीवन चलने से ही काम नहीं चलेगा, जीवन कैसे सलीके से चले इसके लिए ऋषि लोग रचना करते हैं। सात लोग से भी सीधी सीधी खेती का काम करते हैं, 10% लोग पशुपालन, मत्स्य पालन, मवर पालन आदि करते हैं, 5% लोग में उन्होंने गांजे को कुंभ से जोड़ते हुए जो है बयान जो दिया था उस मामले से। देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो या कोई आम व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जो भी बयान गलत देगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, देश के खिलाफ बात करेगा, किसी भी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेगा, गलत बात करेगा, तो उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सरकार का। उनका इस बयान को आप किस तरीके से देखेंगे? मैं कहता हूँ ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। तो एक संवैधानिक पद पे है, सांसद हैं, और उनको इन लोगों को अपनी गरिमा रखनी चाहिए, अपनी वाणी में थोड़ा सा वो रखना चाहिए कि भाई हम किस पद पे हैं और हम कौन सा बयान दे रहे हैं और ये बयान किसके प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, कि मैं गलत ना हूँ, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इसके अलावा हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान एक बयान दिया है, तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ पर नाच गाना हो रहा था और लोग बैठ करके हाय हाय कर रहे थे, विवादित बयान दे रहे हैं। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भगवान श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सब लोगों ने टेलीकास्ट देखा था, हर व्यक्ति ने अपने घर पे बैठ के जहाँ भी व्यक्ति था उसने टीवी के, जो वहाँ अयोध्या में नहीं भी था, टीवी के माध्यम से उन्होंने ये पूरा लाइव शो देखा है। तो कोई भी ऐसा कहीं भी ऐसी बात नहीं आई, राहुल गांधी कहाँ से लाते हैं, वो सपने में सोचते हैं या उनके सपने में राम मंदिर आता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी बातें जो भगवान राम के मंदिर में ये बातें करनी, तो सबको खुशी होनी चाहिए कि बड़े सालों बाद सभी जनमानस को, हर व्यक्ति को, कण कण को भगवान राम का मंदिर मिलने को, दर्शन करने को मिला है। बस मैं तो यही कहूँ। अच्छा मंत्री जी, अभी लगातार ट्रेनों को पलटने की तैयारी की जा रही है, कि लगातार एक तरीके से ट्रेनों की पटरियों पर विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, क्या कहना है? देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं।
और पकड़ने के बाद उनको पूरी सजा मिलेगी, पूरी इंक्वायरी चल रही है, एक एक चीज पे, एक एक बिंदु पे अधिकारी लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो भी सूचना मिलेगी उसके पक्षा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, संसद की देरी पर शासन प्रणाम करते हुए लेट कर एक आग एक कानून की देवी एक कानून का मंदिर तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साझा कर सकूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने जाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे जो गांव के अंतिम छोर पर खड़ा है। सारी बात माने योगी जी मुख्यमंत्री जी का संदेश, देश के प्रधानमंत्री माने मोदी जी का संदेश, आपके माध्यम से ये पदाधिकारियों ने हमारे जिलाध्यक्ष आकाश पाल आया। संविधान धर्म निरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष नहीं है और संविधान सम्मत हम लोग आचरण करते हैं। जैसे कि भ्रामक प्रचार करके विरोधियों ने कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, जनता को गुमराह का करने का काम किया था। अब जनता गुमराह नहीं होगी, कोई कैसे ही बयान दिएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको आप किस तरीके देखते हैं? बिल्कुल ठीक दर्ज हुआ। अच्छा, उन्होंने जो इस तरीके का बयान दिया था कुंभ को लेकर के, साधु संतों को लेकर के, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं सपा? देखिए, मैंने अभी अपने भाषण में कहा इस देश की दो व्यवस्थाएं हैं, नंबर एक कृषि, नंबर दो ऋषि। खेती किसान अन्न पैदा करता है जिससे हमारा जीवन चलता है, और ऋषि रचनाएं तय करता है, वो रचनाओं के आधार पर, आचार विचार के आधार पर हमारी जीवनचर्या चलती है। हाउ टू बी, हमें एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, ये हमारी संत परंपरा के लोग बताने का काम करते हैं। संतों पर टिप्पणी करना अक्षम्य है। हरियाणा में जो है जनसभा के दौरान एक बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ था और जो है वहाँ पे नाच गाने हो रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी के बारे में जितनी ही टिप्पणी खराब की जाए उतना कम पड़ेगी। जो व्यक्ति देश के बारे में विदेश में जाके मर्यादा को भंग करने का काम करता हो और उसके बारे में क्या बोला जाए। देखिए, ये देश सबका है, इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, आज दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी बचका न बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ही होनी चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रावत कह रही है कि तीनों कृषि कानून जो है फिर एक बार लागू होने चाहिए। देखिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, उपचुनाव को लेकर गिर जाओगे आप? मंत्री जी, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है लगातार 10 सीटों पर काम? देखिए, आज मैं कुंदरकी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। कुंदरकी की जनता ने मन बना लिया, इस बार कुंदरकी का इतिहास बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, इसलिए क्योंकि हम विकास पर, कुंदरकी विधानसभा का विकास नहीं सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी।